नमस्कार, मैं हूं विश्व विशाल और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 4 संसदों की विदाई पर राज्यसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए और सांसदों की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद का किस्सा भी सुनाया, जब उन्होंने रोते हुए पीएम मोदी को फोन किया था। बता दें कि गुलाम नबी आजाद शमशेर सिंह, वीर मोहम्मद फैयाज और नादिर अहमद का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है। पीएम मोदी ने गुलाम नबी की तारीफ की। क्या था तारीफ में? पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा, मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी के बाद जो भी इस पद को संभालेंगे उनके गुलाम नबी से मैच करने में बहुत दिक्कतें पड़ेगी, क्योंकि गुलाम नबी अपने दल की चिंता करते थे लेकिन देश और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। गुलाम नबी का सम्मान करता हूँ, पीएम मोदी ने कहा कि गुलाम नबी जी का सम्मान करता हूँ। पीएम मोदी ने गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए कहा, मैं अपने अनुभव और स्थितियों के आधार पर गुलाम नबी आजाद जी का सम्मान करता हूँ। मुझे यकीनन है कि उनकी दया, शांति और राष्ट्र के लिए काम करने का और उनका अभियान हमेशा चलता रहेगा। वो हमेशा जो कुछ भी करते हैं उनके मूल्यों में जुड़ जाता है। पीएम मोदी ने यहाँ भी नहीं रुका, उन्होंने एक पुराना किस्सा भी सुनाया। किस्सा क्या था? पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान एक पुराना किस्सा सुनाया और कहा, गुलाम नबी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही। एक बार गुजरात के कुछ यात्रियों पर आतंकवादी हमला कर दिया गया, 8 लोग उसमें मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद ने मुझे फोन कर बहुत वो अपने अंदर से भावुक होकर उन्होंने फोन पर ही रोना शुरू कर दिया। पीएम मोदी ने चारों सांसदों को कहा धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा, गुलाम नबी आजाद, शमशेर सिंह, मीर मोहम्मद फैयाज और नादिर अहमद, मैं आप चारों महानुभावों को इस सदन की शोभा बढ़ाने के लिए, आपके अनुभव, आपके ज्ञान का सदन को और देश को लाभ देने के लिए और अपने क्षेत्र की समस्याओं को समाधान के लिए आपके योगदान को धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि शमशेर सिंह के साथ स्कूटर यात्रा पर भी वो निकले थे। पीएम मोदी ने कहा, शमशेर सिंह मनहास के बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैंने उनके साथ सालों तक काम किया है, हमने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हुए स्कूटर पर यात्रा की, सदन में उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड सराहनीय है, वो सांसद थे जब जम्मू कश्मीर से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि गुलाम नबी आजाद के बारे में कि बागवानी करना गुलाम नबी आजाद का जुनून है, मैं गुलाम नबी आजाद को वर्षों से जानता हूँ, हम एक साथ मुख्यमंत्री थे, मैंने सीएम बनने से पहले भी बातचीत की थी। जब आजाद साहब सक्रिय राजनीति में थे तो उनके एक जुनून के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, वो है बागवानी। उन्होंने आगे कहा, मैं आजाद के प्रयासों और प्रणब मुखर्जी के प्रयासों को कभी नहीं भूलूंगा। जब गुजरात के लोग कश्मीर में हुए आतंकी हमले के कारण फंस गए, गुलाम नबी लगातार इसकी निगरानी कर रहे थे और वे उन्हें लेकर इस तरह से चिंतित थे जैसे वे उनके परिवार के सदस्य हो। प्रधानमंत्री के भावुक वो पल देखने के लिए और उनकी बातें सुनने के लिए देखें। शायद बहुत कम लोगों को पता होगा और कभी उनके साथ बैठोगे तो बताएंगे, हम सरकारी बंगलों में रहते हैं तो बंगले की दीवारें, अपना सोफा सेट, उसी के आसपास हमारा दिमाग रहता है, लेकिन गुलाम नबी जी ने उस बंगले में जो बगीचा बनाया है, यानी एक प्रकार से कश्मीर की घाटी की याद दिला दे, ऐसा बगीचा बनाया है और इसका उनको गर्व भी है, वो समय देते हैं, नई नई चीजें जोड़ते हैं और हर बार जब कंपटीशन होती है तो उनका बगलों नंबर वन ले आता है। यारे अपने सरकारी जगह को भी कितने प्यार से संभालना, यानी बिल्कुल मन से उन्होंने इसको संभाला है। जब आप मुख्यमंत्री थे, मैं भी एक राज्य का मुख्यमंत्री के नाते काम करता था, हमारी बहुत गहरी निकटता रही उस कार्यक्रम में। शायद ही कोई ऐसी घटना नहीं मिल सकती है कि जबकि हम दोनों के बीच में कोई संपर्क सेतु ना रहा। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन
सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे, फोन पे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना मेरे लिए बड़ा बाहुपल था। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि मोदी जी सब लोग पहुंच गए, इसलिए एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। और मुझे विश्वास है कि जो भी दायित्व जहां भी वो संभालेंगे,
वे जरूर वैल्यू एडिशन करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे और देश उनसे लाभान्वित होगा, ये हमारा पक्का विश्वास है। मैं फिर एक बार उनकी सेवाओं के लिए आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं और व्यक्तिगत रूप से भी मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चार माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार कर जा में डुबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान, कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर जा, 1 रुपया में मां।